मैं हूं आपके साथ आयुषी शर्मा। हेडलाइन 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं आज की तमाम खबरों पर। अखिल भारतीय मीना समाज द्वारा दिल्ली मीना छात्रावास के निर्माण कार्य के संबंध में आवश्यक बैठक संपन्न हुई। इस अवसर पर मुख्य रूप से उपस्थित रहे दिल्ली छात्रावास निर्माण समिति के अध्यक्ष श्री पी आर मीना जी, निर्माण समिति के सदस्य श्री पी सी मीना, श्री जे पी मीना, श्री पी डी मीना, श्री शांतिलाल मीना, मध्य प्रदेश मीना समाज संगठन के लोकप्रिय प्रदेश अध्यक्ष श्री जगदीश सह मीना, प्रदेश संगठन महामंत्री एडवोकेट श्री संतोष मीना, श्री गाजीराम मीना, प्रदेश उपाध्यक्ष व प्रवक्ता लीलेंद्र सहमारण, मस्तान सहमारण, लखन सह मीना, के एस मारण, प्रदेश प्रवक्ता मनोहर मीना, भोपाल जिलाध्यक्ष ताराचंद मारण, सीहोर जिलाध्यक्ष विमल मीना, रायसेन जिलाध्यक्ष सुनील मीना, पूर्व न्यायाधीश श्री नारायण सह मीना, मंजी सह मारण, सुंदर मारण, श्री जसवंत मीना, अशोक मीना, बागमल मीना, बलराम मीना, राजीव मीना, श्री हरीश मारण जी, डॉक्टर अजीत मीना, सुशील मीना, प्रदीप मीना, श्री आकाश मीना, श्री प्रदीप मीना, प्रदेश अध्यक्ष श्री जगदीश सह मीना जी ने संगठन की ओर से 11 लाख रुपए की घोषणा की। साथ में श्री लीलेंद्र सह मारण जी ने 1,111 रुपए दिए। श्री मस्तान सह मारण जी ने 1 लाख रुपए की घोषणा की। मेरे वरिष्ठ समाज सेवी और मेरे वरिष्ठ अधिकारी भी रहे, डीजी मीना साहब हमारे डीजी साहब का सहयोग निरंतर मिलता रहता है। समाज का कोई छोटा व्यक्ति भी हो तो रात को 12 बजे भी फोन करेंगे तो समाज के नाम पर बराबर सहयोग करते हैं। जहाँ तक मीना समाज सेवा संगठन का सवाल है, मीना समाज कभी भी राजस्थान और एमपी को अलग नहीं मानता। हरीश मीना जी चाटोड़ा पधारे थे तो उनका जबरदस्त स्वागत किया गया था। हमारे फोर फादर्स चूंकि राजस्थान के ही हैं, मैं अपना व्यक्तिगत बताऊं तो हम लोग 12 जिला के रोटी गांव के रहने वाले हैं। रोजगार के से या शिक्षा से कहीं से भी कोई आदमी कहीं चला जाता है उसका ये मतलब नहीं कि वो अपनी जाति भूल जाता है। मैं मीना समाज सेवा संगठन के अध्यक्ष होने के नाते संगठन की तरफ से 11 लाख रुपये प्रारंभिक राशि साथ ही इस पुनीत कार्य को पूरा करने में मीना समाज सेवा संगठन पूरा सहयोग करेगा और हम 3 तारीख की बैठक में इस प्रस्ताव को रखेंगे और निरंतर रूप से इसमें जुड़ के, क्योंकि हम लोग तो आपसे जुड़े हुए हैं लेकिन अगली पीढ़ी शायद ये नहीं जानती कि मीना कहाँ के हैं। वो जाति को नहीं समझते, सरनेम लिखे में उन लोगों को शर्म महसूस होती है। तो आने वाली पीढ़ी भी जुड़ी रहे कि राजस्थान और मध्य प्रदेश ये कोई अलग नहीं है, मीना समाज भारत का मीना समाज है। हम उसको जोड़ने के लिए इसके लिए धन्यवाद। जय मीना, जय भारत। तो मैं सभी हमारे पधारे हुए अतिथियों से ये निवेदन करूंगा कि शाम का डिनर सब लोग साथ में लें। खाना होटल में सभी का डिनर का ये फिक्स है। अगले हम ट्रेन से जा रहे हैं, आज डिनर का रहने दे, 2 दिन लेके आएंगे। तो आधी तो होनी चाहिए, 16 बजे होनी चाहिए, एक बताए तो ये हम पिछड़े, इतने पिछड़े हैं, ये बात हमको समझना पड़ेगी। और ये अगर इसको हमको बराबरी से लाना है, जैसे पीडी साहब ने कहा कि कई पहले की यहाँ पर हमें पुराना सुनाते था कि जब एक विधायक से या सरकार बनी थी, बहुत पहले की बात है, वहाँ आरक्षण लागू था या पूरे है। हमारे विधायक ने वोट इस बार के लिए दिया था कि हमें इससे हटाओ, ये हम नीच जाति थोड़ी बनना हो, ऐसे करके उस बोर्ड पे कौन सी सरकार है, बीपी मिश्रा की सरकार में हटवाया, समृद्ध सरकार में। ये भावना थी, अब धीरे धीरे ये भावना खत्म हो गई है कि ये, जबकि हम समझा के 30 साल से हम समझा रहे हैं इस बात को कि एसटी का आरक्षण हो, ये आरक्षण किसी नीच ऊंच जात से नहीं है, ये एक समानता का अधिकार है। आपको एक अवसर है एक बराबरी में खड़े करने के लिए, एक पीछे खड़ा आदमी और एक आगे खड़ा है, उस पीछे वाले को बराबरी में लाना है। उस बराबरी के आदमी बराबरी से दौड़ेगा तो बराबरी निकलेगा। मध्य प्रदेश मीना समाज सेवा संगठन प्रदेश प्रवक्ता
मैं तमाम मध्य प्रदेश की जनता को बताना चाहता हूँ कि मित्रों, हमारे लिए बहुत गर्व और खुशी की बात है कि आज जो हम सपना वर्षों से देखते आ रहे थे वो सपना हमारा पूरा होने जा रहा है। भारत की राजधानी दिल्ली में जाके हमारे समाज पिछड़ रहा था, हमारे समाज का भविष्य पिछड़ रहा था। दिल्ली में हमारे पास कोई छात्रावास, कोई स्थान ऐसा नहीं था। मित्रों, ये खुशी की बात है कि हमने दिल्ली में जमीन प्राप्त कर ली गई है और दिल्ली में बहुत जल्दी एक मीना समाज का भव्य छात्रावास बनने जा रहा है। मित्रों, और मध्य प्रदेश सेवा संगठन के तत्वावधान में मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष एवं प्रदेश महामंत्री हमारे और तमाम प्रदेश अधिकारियों ने, प्रदेश अध्यक्ष जी ने मध्य प्रदेश की जनता के लिए खोले खजाने सेवा संगठन के तत्वावधान में दिल्ली के अंदर एक फ्लोर मध्य प्रदेश के मीनाओं का बनने जा रहा है। मित्रों, ये बहुत खुशी की बात है। मैं तमाम मध्य प्रदेश की ओर से प्रदेश अध्यक्ष एवं महामंत्री एवं प्रदेश की टीम का आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने ऐसे कठिन समय में ये निर्णय लिया। ये बहुत ही गर्व की बात है कि आज हमारा छात्रावास, हमारे बच्चों का टैलेंट, मीना समाज के गरीब तबके प्रतिभा छात्रों का अवसर उपलब्ध कराएगा मध्य प्रदेश मीना समाज सेवा संघ ने दिल्ली में छात्रावास हेतु जमीन प्राप्त कर ली गई है। मित्रों, जल्दी होगा निर्माण कार्य प्रारंभ आने वाले समय में। जैसा एक राम का भव्य मंदिर बनने जा रहा है, ऐसे हमारा भी एक हमारा भव्य छात्रावास बनने जा रहा है। मंदिर की तरह वो हमारा मंदिर के साथ साथ उसका भव्य कार्यक्रम चालू होगा। अब कोई मध्य प्रदेश में मीना समाज के प्रतिभा छात्र का टैलेंट को दमन नहीं करना पड़ेगा, उसके लिए बीड़ा उड़ाए पूर्व IPS एडिशनल चीफ सेक्रेटरी PR मीना, JP मीना, BD मीना, PC मीना सहित मध्य प्रदेश मीना समाज सेवा संघ के प्रदेश अध्यक्ष प्रदेश संगठन महामंत्री संतोष मीणा में तमाम इन पदाधिकारियों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और हमारे यशस्वी तेजस्वी ऊर्जावान अध्यक्ष जी ने जो मीना समाज के लिए हमेशा ऐसा कुबेर का खजाना है हमारा और वो लुटाते आ रहे हैं समाज के लिए, मैं ऐसे प्रदेश अध्यक्ष और लीलेन भैया हैं, उन्होंने भी 1,00,000 रुपये का चेक दिया समाज के दिल्ली में बनने जा रहा है। और मस्तान सिंह महारण निर्भर भदभदा रोड पे उन्होंने भी 1,00,000 रुपये की जोड़ी है। तमाम ऐसे जो समाज के लिए हर तत्व पे खड़े रहते हैं, जब चाहे जब खड़े रहते हैं, जब समाज को इनकी ज़रूरत आती है तब समाज के बीच में रहते हैं और अपना ऐसा योगदान देते हैं। मैं इन सभी जो संगठन के एवं तमाम मेरे ऐसे ऐसे मीना समाज के सभी उनका, मैं मनोहर मीना मध्य प्रदेश प्रदेश प्रवक्ता तमन्ना नर्सरी भोपाल, मैं उनका बहुत बहुत तमाम ऐसे वीरों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय मीना समाज।